मैं आप कहीं गए थे, आपसे कोई भाई मिले, उन्होंने बोला कितने सब्सक्राइबर हैं। सीटें ही एक एक लाख की होती है भाई, तो हम आगे तो हम तो गाइस तो फंडा हुआ है ऐसा कि सेल्फी नहीं मिल रहा यार भाई को। क्या बात है। तो ये देखो फाइनली गाइस भाई चला रहे हैं अपनी बाइक। हाँ आपको पता ही है इनसे फैमिली वाला प्यार है, तो मैं ज़्यादा कैमरा लेके घुसता नहीं हूँ, जो लोगों की आदत है। फिर लोग कुछ आके इनसे पूछते हैं कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, तो लेकिन हमारी आदत वो नहीं है कि हम किसी को छेड़ें, टाइम पास करें। और हल्की है ना हैंडलिंग, एक नंबर अमेजिंग है। तो अब हम किस कब मार रहे हैं इस पे 300 दोनों, आप अपनी वाली पे, मैं अपनी वाली पे। तो चलो फिर दिलराज भाई बताओ आप ये कब लेके जा रहे हो और 300 कब मार रहे हो। मैं देखो पहले तो आजकल ना ट्रेंड चला ना 300 300, तो आप कब मार रहे हो इस पे यार। देखो सच बात बोलो ना, कभी ट्राई नहीं किया है। सच बात मैं तो 120 140 इतने, इससे ज्यादा कभी गया नहीं। लेकिन अब आप आ गए हैं तो अब हम जाएंगे हैं। लेट्स सी। नहीं नहीं मैं 300 नहीं चलाने वाला। तो गाइस हमारे पास और भी बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स हैं जो अभी हम कुछ बात कर रहे थे। कुछ ना कुछ बहुत धमाकेदार आने वाला है। श्योर, है ना। तो जल्दी करते हैं भाई से। मैंने सुना आप कहीं गए थे, आपसे कोई भाई मिले, उन्होंने बोला कितने सब्सक्राइबर हैं आपके, क्या बोलते आप। नहीं सच बात है। अबे ऐसा कौन इस मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी है जो नहीं जानता। अब मैं आऊँ, मैं बोलूँ और भाई क्या हाल है, आपको मिलाते हैं भाई से, भाई आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। मतलब एक तो आप कैमरे में भी ला रहे हो और ऊपर से हमारा ही वो कर रहे हो, मतलब काइंड ऑफ डिफेम, दिस इज कॉल्ड डिफेमिंग, है ना। अरे क्या कहते हैं उसको, आप मुझे फोन कैसी लगी आज। आज तो भाई साहब मजा आ गया आज। हाँ आज आज इनको याद हो गया कि अब मैं बड़े गिलास में चाय पीता हूँ। आज स्टील वाला गिलास, इतना बड़ा गिलास था, आज भर के पिया हमने तसल्ली करके। गार्ड साहब मैं जाऊँ अब। अरे गार्ड साहब, मैंने गार्ड साहब बोला, मैं गार्ड साहब जाने दो, मैं गरीब आदमी हूँ। कह रहे अरे मैं वो भैया हैं क्या। कह रहे नहीं वो तो नहीं है। अच्छा मैं भैया गरीब आदमी हूँ, वो पहचान गए थे, दूसरे भाई थे ना वो पहचान गए मुझे। कह रहे यार आप मजे मत लो। बस ये है कि वो उनका काम, वो उनका काम है। मैंने भी यही बात बोली कि मैं बहुत अच्छा किया आपने रोका। कोई भी आ सकता है ऐसे, अगर जाने दें तो फिर तो कोई भी आ जाएगा। बहुत सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, सही है। तो चलो फिर कब लगा रहे हो आप चक्कर। गाइस अभी 2-3 महीने में कुछ और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, हमारी एक और जान आने वाली है। थोड़ा टाइम। गाइस इकलौता आदमी है जो मेरी रील्स लाइक नहीं करता, इसको सारे जाके अनफॉलो मारो, सारे जाके अनफॉलो मारो। नहीं नहीं भाई तो करता है, भाई भी करता है, वो कहाँ गए भाई। और वो आज टीम है नहीं यार पूरी, क्या चक्कर है आज। एक्चुअली अभी थोड़ा शाम का टाइम हो गया ना, सब चले गए। नहीं गए तो नहीं, नाश्ता वगैरह करने इधर उधर वो निकल जाते हैं शाम का। सही है सही है सही है। चलो चलते हैं फिर, निकलो आप भी। वो अभी बस आपको पहले विदा हो जाए। क्या बात है क्या बात है। तो कल लगाता हूँ चक्कर, अगर हुआ ना दिन में लगाते हैं चक्कर, चलेंगे फिर थोड़ा आगे। मैं कल सीट लेके आऊंगा, साथ बैठना फिर मेरे, ठीक है। मैं भी बैठूंगा साथ, आप भी बैठना, ठीक है। तुम्हारे पीछे नहीं बैठूंगा भाई मैं। वैसे आपने बताया नहीं सीट कितने की आई। सीट बाबू मुझे अगर मैं सच बात बताऊं तो 1,10,000 रुपए की पड़ेगी। क्यों 1,00,000 की गद्दी आपके लिए। मैं पता क्या हुआ, पहले एक सीट खरीदी, वो अभी होता है ना मेरे साथ। हाँ। उसने क्या करा, सीट ली, किसी के साथ स्कूटी पे बैठा, वो सीट कहीं गिरा दी। कंपनी से 50,000 की सीट आई थी वो, फिर ये दूसरी और मंगाई कंपनी से 50,000 की। सीटें ही एक एक लाख की होती है भाई, तो हम आगे तो अभी इतनी। चलो ये बताओ ये चाबी कितने की होगी। चाबी तो होगी 20 लाख के आसपास की। नहीं नहीं खाली चाबी, अगर एक्चुअल प्राइस चाबी का 10-12 हज़ार। बाबू इसमें दो चाबी आती है ना। हाँ नहीं एक आपको दे जाऊंगा मैं, इसमें सेंसर होता है ना, अगर ये चाबी गिरी मेरे से, ये सेंसर है, ये चाबी भी काम नहीं करेगी अगर ये सेंसर निकल गया। अच्छा ये दोनों कनेक्टिविटी अनलॉक ही नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे अभी एक रेड सिग्नल आता रहेगा, जब तक ये सेंसर इसको रीड नहीं करेगा बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये बेसिकली बॉडी है और ये उसका दिल। ये दरवाजा काइंड ऑफ दिल है। दरवाजा काइंड ऑफ मतलब ये घर है और ये दरवाजा है। ये ये जब तक नहीं होगा तो आप एंटर नहीं कर सकते इसमें। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी ऐसी टेक मशीन्स के बारे में नई नई चीजें जानने में, सुनने में मजा आता है इसमें। बहुत है मतलब लाइक
अंध अंध पावर है, और इसमें स्टेयरिंग डैम्पर भी आता है। नहीं मैंने खैर इसके बारे में सुना है, लेकिन इसके बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है, लेकिन हाँ देखा रियल आंखों से पहली बार ही है। तो अब तो बड़ी कुछ दिखने वाला है, बहुत कुछ दिखने वाला है, बहुत कुछ दिखने वाला है। चलो चलते हैं भाई को करते हैं भाई, ओके मेरी जान, ठीक है। ये देख रहे हो बिजनेसमैन आदमी, देख रहे हो भाई साहब। चलो मिलते हैं फिर, कल लगाता हूँ, अगर हुआ शाम को लगाना चक्कर, ठीक है। गाइस ये देखो मोर, ये देख रहे हो, ये सामने बैठा मेरे, वाह क्या बात है। चलो गाइस अभी निकल रहे हैं यहाँ से घर, आपको मिला दिया आज हमने भाई से। अब हम बैठे भाई के साथ, काफ़ी देर तक बातचीत करी, आपको पता ही है कि हमारा काफ़ी पुराना भाईचारा, भाई के साथ हम बैठे, हमने बढ़िया से बात बूत करी। निकल रहे हैं घर की तरफ, कल हमने एक छोटा सा मीटअप भी रखा हुआ था, उसके लिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा घर, 6:30 हो गए हैं, तो होपफुली अभी जाते जाते भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आधा एक घंटा तो लगेगा ही पुष्कर तक पहुँचने में। तो गाइस निकल चुके हैं पुष्कर की तरफ, लोग आज अभी पहुंच चुके हैं अजमेर की गलियों पे, अजमेर की रोडों पे। देखो ट्रैफिक, देखो यार मतलब मस्त ट्रैफिक हो रहा है, और थोड़ा सा ना मुझे गूगल की मदद लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि गलियों से मैं आया नहीं हूँ, थोड़ा रोड भी याद नहीं है। भाई साहब ट्रैफिक देखो यार, भाई कोई नहीं रुकता, ये देखो रुक ही नहीं रहे यार, जनता रुक ही नहीं रही भाई। ओ भाई खड्डे देख रहे हो, मज़ा आया यार आज भाई के साथ मिल के, भाई से बातें करके ना मतलब दिल खुश हो जाता है। मैंने गार्ड साहब के मज़े ले लिए, ओके वो फिर डांट भी रहे थे अपने गार्ड को, कह रहे थे कि यार पता होना चाहिए कौन अपना और कौन नहीं। मैंने बोला नहीं भैया, क्योंकि क्यों, वो डांट भी रहे थे यार अपने गार्ड को, बट मैंने बोला नहीं उसका काम है यार, मत डांटो मेरी जान, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने रोका, एटलीस्ट आपने ये नहीं देखा कि कोई महंगी सी बाइक लेके आया तो वही अपने होगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी की वीडियो देख रहा था, ऐसा कौन होगा यार जो दिलराज भाई को नहीं जानता होगा, ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। 30 मिलियन सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात है, 31 होने वाले हैं, क्योंकि अभी ये लोग गए हुए थे बैंगलोर, एक मीटअप था तो सारे यूट्यूबर्स आए हुए थे। वो बंदा इनके पास आया और पूछता, वीडियो में बोलता कैमरे पे लेके पूछता आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, हाँ अभी वही बात कर रहा था, वो कहते यार मैंने सोचा अब मैं क्या बोलूं। ZX10R भैया, हाँ जी भैया, भैया 22 लाख, हाँ जी भैया सही है भैया, थैंक यू। तो वो कहते यार मैं उस आदमी को क्या बोलता, बिकॉज उसने कैमरे पे ये बात पूछ ली थी। तो यार भाई लोगों आप देख ही रहो, भाई का कैफ़े है पुष्कर रोड पे, बाय द नेम ऑफ पबजी कैफ़े। तो जाओ यार जितने भी मेरे भाई अजमेर से देख रहे हैं, सपोर्ट करो भाई को, वो देखो भाई ने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, आप भी मुझे ऐसे सपोर्ट करो। गाइस इस वाली साइड तो मैं अभी तक आया नहीं था यार, ये तो जिस साइड में घूमता हूँ उससे भी ज़्यादा प्यारी है यार ये साइड, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इस साइड, वो थोड़ा हाईलाइटेड है बिकॉज वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, खाने पीने का बहुत सामान है, बट यहाँ ज़्यादा है नहीं, बट है ये भी लेक व्यू। ये जो ऊपर घर है इनको क्या व्यू मिलता होगा ना रोज़ यार, सुबह उठो सामने लेक, इतनी बढ़िया। लकी लोग हैं यार ये, जैसे हम लोग हैं हमारे शहर में माता वैष्णो का टेंपल है, हम अपने आप को लकी मानते हैं, वैसे यहाँ पे हमारी दरगाह है अजमेर शरीफ, तो ये लोग लकी हैं भाई, इनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तो लकी लोग हैं वो, खुदा के घर में है यार ये, तो मैं सीधी सी बात बोलूँगा गाइस, बस ऐसे ही। ओ मेरे भाई देख नहीं रहा, भाई सीधे निकल आया था, मतलब चारों तरफ लेक है, सेंटर ऑफ द सिटी देर इज़ अ लेक अजमेर में, इसमें शाम को फैमिली जाती हैं यहाँ घूमती फिरती हैं, जैसे चाट वगैरह बिक रहा होता है शाम को, बहुत सारी चीज़ें बिक्री होती हैं, फैमिली फुल इंजॉय करती हैं यहाँ पर। ओ भाई मित्तल हॉस्पिटल भी है एक, सही है, एकदम से निकल आते हैं ना भाई इनसे डर लगता है। राइड भी ज़बरदस्त रही भाई के साथ, मीटिंग भी ज़बरदस्त रही, मज़ा आ गया यार सच में, मज़ा आ गया गाइस मज़ा आ गया। अच्छा ये है भाई का पबजी कैफ़े, क्या बात है। अच्छा ये है अपना कैफ़े, नहीं यार अभी लेट हो रहा हूँ, लगाता हूँ चक्कर, पक्का लगाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ ही होते हैं? मैं रहता हूँ, मेरी सिस्टर रहती है। अच्छा अच्छा बोल देना प्रिंस को कॉल कर दो। अच्छा 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 पक्का आते हैं जल्दी, मैं कल अगर हुआ तो दिन में लगाऊंगा चक्कर अच्छे से। रात हो जाती है ना यहाँ लोगों को समझ नहीं आता, हाई बीम पे चलते हैं, और जो बाइक वाइक पे चल रहा है ना वो बेचारा उसके वाइजर पे लाइट पड़ती है और उसको आगे कुछ दिखता ही नहीं है, बट ये लोगों को समझ नहीं आता, और वाइजर खोल के चलो तो सिर्फ आंखों में मिट्टी या कीड़े शाम को। ये जितने मेरे बाइकर भाई हैं सबको समझ आ रही होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई,
जितने लोग मेरी फैमिली से बाइक चलाते हैं बिग फैम के, वो समझ गया मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई। सीधे कीड़े आंखों में जाते हैं, मिट्टी आंखों में जाती है अगर आप वाइज़र खोल के चलाओ तो, और वाइज़र बंद करके चलाओ तो इनकी लाइट हाई बीम वालों की वो कुछ बोल नहीं सकते। ये कट है भाई यहाँ पे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त कट है, ज़बरदस्त। और ये आ गई हमारी फिर से महाराणा प्रताप जी की पार्क, अच्छी पार्क है यार ये, बात है अब सही है सही। ये देखो मैं आपको बता रहा था ना, ये भी एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे भी शाम को फैमिलीज वगैरह आती हैं, बैठती हैं, मस्त व्यू इन्जॉय करते हैं। बाबा जी भी हैं जो भाई हॉर्न सीटी बजा रहे हैं यहाँ पे, कोई आइडिया नहीं वो इधर किधर आ रहे हो भाई, अपनी अपनी साइड चलो, हम भी अपनी साइड है भाई। इस रोड पे तो मैं तो बोलता हूँ भाई अपनी लाइन में, ये देखो भाई एफ जी पे लीन मार रहा है, पहाड़ों को चीरते हो हम पहाड़ के इस पार पहुँच गए। ये रोड भी थोड़ा ख़तरनाक है भाई, ये जो है ना मोड, ये भी थोड़ा ख़तरनाक है भरावा। इनकी आंखों में बढ़नी चाहिए लाइट यार गाइस, कोई कमेंट में बताओ कोई ऐसी लाइट हो ना जो सीधे सामने जो हाई बीम पे आ रहे हैं ना उनकी आंखों में पड़े और इनको पता चल जाए कि क्या फील होता है अपन जब हाई बीम में चलते हैं। तो मेरा भाई कोई ऐसा जिसको पता है ऐसी कोई लाइट तो कमेंट में नाम लिखना यार, अपन लगवा लेंगे भाई इसमें कोई ना कोई जुगाड़ करके लगवा लेंगे। आगे दिखता ही नहीं है, ये देखो हाई बीम पे चला हुआ भाई, कुछ नहीं दिखता यार आगे, वाइजर के अंदर मोर बोल रहे हैं सुना आपने। तो चलो गाइस आज की राइड तो हो चुकी है ख़त्म, लेकिन मैडम हो गई थी गुस्सा क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं मैडम को घुमाया नहीं था, तो मैंने बोला चलो चलते हैं आपको थोड़ा सा अजमेर भी घुमा देते हैं, लेक व्यू साइड लेके जाते हैं, मैडम को अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं ना, अब आपको सीधे वहाँ जाके मिलेंगे। तो गाइस अभी अपन रुके हैं कुछ ऐसी जिस जगह पे मैंने अपने व्लॉग्स में दिखाए आपको महाराणा प्रताप वाली पार्क में, और यहाँ मिल चुके हैं भाई। क्या हाल है भाई आपके? बस बढ़िया। नाम क्या आपका? मनवीर सिंह राठौर। क्या बात है, तो भाई कह रहे हैं अभी सब्सक्राइब करूंगा और सबसे करवाऊंगा। क्या बात है गाइस, अभी चलो अंदर कुछ खाते हैं, अंदर का भी आपको दिखाते हैं क्या क्या सीन है। बिहार भी जा रहे हैं हम बहुत जल्दी, भाई मिल चुके हैं बिहार से, तो फुल प्यार है जी, हैं जी। फुल सपोर्ट है बिहार से जी, जी। आ रहे हैं आपके बिहार भी बहुत जल्दी। बाकी ये देखो यार हमारे महाराजा की मूर्ति विच इज महाराणा प्रताप। तो ये रहा फूड कोर्ट, और ये देखो क्या बात है, और ये देखो यहाँ से पूरा अजमेर दिखता है यार। मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ का व्यू जो है ना भाई वो अल्टीमेट व्यू है, दिन में आना चाहिए यार। वो रही वो रोड जहाँ मैं आपका भाई रोज लीन मार रहा होता है, बस कुछ ऐसा सा व्यू है और ऐसा सा रेस्टोरेंट है। ये पार्क के साथ ही एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है ये देखो यार, और यहाँ से व्यू देखो बस वो भाई साहा, नीचे देख रहे हो आप क्या बात है। ये गाड़ियाँ जा रही हैं जो छोटी छोटी दिख रही है ना, ये गाड़ियाँ हैं, ये रोड सीधे जा रहा है अजमेर, वही वो रही लेक जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और इधर ही कहीं इसी साइड मतलब दरगाह भी है अपनी अजमेर शरीफ, ये देखो यार क्या बात है क्या बात है। तो चलो गाइस अभी चल रहे हैं नीचे, मैडम का मन नहीं भर रहा, मैडम कह रही है मुझे लेक व्यू भी देखना है, तो अभी मैडम को लेक व्यू लेके चल रहे हैं यार। तो गाइस अपन आए थे यहाँ पे वॉक करने लेक साइड, और मैडम को एरिया पसंद है, तो आपको कैसा लगा यार? तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी ऑफ सायोनारा, एनी गाइस नो द ड्रिल, क्या करना, माँ बाप की सेवा, बड़ों से प्यार, छोटों से प्यार, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में, बाय बाय।